बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है बनाने जा रहे हैं पोटैटो पैकेट रेसिपी, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की रेसिपी है, बनाएंगे पोटैटो पैकेट जिनको हम पैकेट के अंदर पैकेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने बॉइल किया और मैश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी 1 कप, हाफ कप भी कर सकते हैं, और ये हाफ कप जो है हरी प्याज। ये चला गया इसके अंदर, साथ में इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। साथ में इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसी के साथ चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, हसबे जायका नमक, जितना आपको रखना है अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी एज अ फ्लेवर 1/2 टीस्पून, हाफ एंड हाफ टी स्पून। बिल्कुल थोड़ी सी किसी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, ये चला गया। चिली सॉस इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आपको ज़्यादा स्पाइस करना है टेबल स्पून भी कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना है इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये चीज़ें चली गई इसके अंदर। उन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मिक्स करने के बाद में मैं, बल्कि मिक्स करने से पहले ही मैं इसमें मायनीज भी ऐड करूँगी। ठीक है, पहले उसको मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मायनीज ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। ठीक है, अब उसको हम पहले मिक्स करेंगे, फिर इसकी थिकनेस देख लेंगे कोट हो रहा है कि नहीं, फिर आप ऐड कर सकते हैं एज अ रिक्वायर्ड। पहले उसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये ब्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर की शक्ल आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, ठीक है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके जो साइड्स हैं, हम इनको जो है वो कट कर लेंगे। देखिए, मैं कटिंग करके हाथ से ऐसे प्रेस कर दें, बेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाथ की मदद से भी इसको कट सकते हैं। सही है, मैंने किया आपको, जहाँ से आपको लग रहा है कुछ रह गया। अच्छा, क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मक्खन लगाया है, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे मिक्सचर अपना लूँगी जो मैंने बनाया था मिक्सचर। अच्छा, इसकी फिलिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हैं,
लगा, सेट करें। इस तरह से मैंने किया है और इसकी साइड्स पे जो है ना आप पानी लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। इसको पानी से आप बंद करें, साइड से भी इसको पानी लगा के इसको आप बंद कर सकते हैं। इजी है, बहुत फन भी हो जाएगा। इस साइड से भी इसको ऐसे ही करेंगे बंद। ठीक है, तो बाकी ये तैयार कर लेंगे। सारे पैकेट्स तैयार कर लिए और यहाँ ब्रेड क्रम्स है, होममेड मैंने बनाए हैं। यहाँ पे दो अंडे हैं, इनको हम तोड़ेंगे, इनको फेटेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको पहले कुछ नहीं डालेंगे अंडे के अंदर। ठीक है, इसको ऐसे ही फेंट देंगे। ये अंडा फेंट लिया है, अब मैं यहाँ पर एक पैकेट लूँगी। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स में ऑयल है उसमें डालेंगे एक एक करके। दूसरा भी ये कलर कितना खूबसूरत सा है इसका। ठीक है, मैं इसको निकाल लूंगी और बाकी इस तरीके से हम सारे इसके तैयार कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। पोटैटो पैकेट्स रेडी हैं, बहुत मज़े की है इसका। आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं कितने यमी से इसकी फीलिंग्स है। इसमें मायनीज है, इसको मैंने मक्खन लगाया है, फिर इसमें मैंने मायनीज के साथ इसका मिक्सचर बनाया है। तो ये पोटैटो फीलिंग्स हैं लेकिन लगेंगी नहीं कि पोटैटोज़ हैं। आप इसको खाएँगे तो एकदम इसका चीज़ी सा इसका जो फ्लेवर है वो आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। ख़ास रमज़ान में इसको बनाइएगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।